सु कुमार नायर जी आ, आप तमिलनाडु से आते हैं एंड एन आइडिया ऑफ इनोवेटिव मार्केटिंग एंड इनको जो प्रोजेक्ट है इंटेंसिव फार्मिंग एंड सप्लाई ऑफ प्रिस्टीन नेचुरल न्यूट्रियो चाहूंगी श्री रजनीश कुमार उत्तर प्रदेश से अच्छा बेसिकली हम लोग वृद्धि टेक्नो फार्म हैं आ, हम टेक्नोलॉजी uh, बैकग्राउंड से हैं एंड फर्स्ट टाइम हम लोग आज एक्वाकल्चर में आ रहे हैं सो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन टेक्नोलॉजी इन टू बाय बाई बिल्डिंग इंटेंसिव फार्म यूनिट्स एंड जनरलाइजिंग इट टू मेक इट अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल तो ये जो हमारा जो एंड टू एंड वैल्यू चेन क्रिएशन है जहाँ पे सप्लाई और डिमांड को मैप करने की कोशिश कर रहे हैं तो एट दिस मोमेंट हम लोग ने Uh, जो डिमांड है मार्केट में वो क्रिएट करना शुरू कर दिया है कोयम्बतूर में और हम इसी के साथ पोल्लाची करके एक जगह है हमारी वहां पे हम इंटेंसिव फार्म यूनिट शुरू करेंगे जैसी हमारा डिमांड मार्केट में शुरू कर रहे हैं वी आर पोजिशनिंग अवर प्रोडक्ट्स एज प्रोटीन रिच फार्म्स सो दिस इज द पोजिशनिंग हम लोग जो कर रहे हैं हमारा जो टीजी है दैट इज द टारगेट ग्रुप वो काफी हेल्थ कॉन्शियस पीपल की तरफ हम लोग देख रहे हैं तो हम ये जो मछली को फूड और न्यूट्रिशन के तरफ जो जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं इट्स ए कंसेप्ट और इस कंसेप्ट को लेने की प्रयास में हम कोयम्बत एक प्रोटोटाइप शुरू किया है और यहां से हम इसको दूसरे इनलैंड सिटीज में ले जाना चाहते हैं इसी के बीच में हमारा जो प्रयास है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ये इंटेंसिव फार्म यूनिट्स लीज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो इंटेंसिव फार्म यूनिट्स हैं जो रिसर्कुलेशन सिस्टम्स हैं वो काफ़ी कैपेक्स और ओपेक्स इंटेंसिव है तो हम टेक्नोलॉजी uh, बेस्ड लोग होने की वजह से उसकी जो ओवरऑल uh, कॉस्ट है रिडक्शन इसकी डिज़ाइन uh, में लगे हुए हैं तो वंस द डिमांड इज क्रिएटेड हमें ज़रूर है कि हम इसकी जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के तरफ का जो हमारा सोशल मिशन है ये भी पूरा करने की कोशिश करेंगे तो इस प्रोजेक्ट को जो सपोर्ट करने के लिए एन एफ डी बी एंड यू नो ये कंसेप्ट है ये पहली बार हम लेके आ रहे हैं और इसको सपोर्ट करने के लिए जो काफ़ी हमारे यू नो सपोर्ट मिला है मिनिस्ट्री की तरफ से और एन के तरफ से उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और हम यही सोचते हैं कि Uh, इस जो पूरे कंसेप्ट को देश में एक छोटा सा एक uh, तरीका करके इसको आगे बढ़ाएं ताकि वी आर एबल टू सॉल्व द सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट्स ऑन द ग्राउंड थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर दिस ऑपर्चुनिटी